आप भी कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस याद। कैसे जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। और आप एक ऐसा सिस्टम सीख रहे हैं जिसका नाम है विवेकानंदा सिस्टम। ये सिस्टम आपकी जितनी भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सब का सॉल्यूशन है, क्योंकि इस सिस्टम में पढ़ने के पहले क्या करना है, पढ़ने के दौरान क्या करना, पढ़ने के बाद क्या करना, वो सारी की सारी टेक्निक्स हैं। और सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं वो साइंटिफिक है, सिस्टमैटिक है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक ज़बरदस्त दृष्टिकोण है ये पूरा का पूरा सिस्टम। और इस सिस्टम में जैसे कि मैंने अभी बताया, हमने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, पढ़ने से पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। तो हम पढ़ने से पहले की बातें कर रहे थे, पढ़ने से पहले क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं, कौन कौन से क्रांतिकारी स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। तो पढ़ने से पहले हमें सेट की प्रोसेस से गुजरना होता है। सेट क्या होता है? हमें अपनी छह चीज़ें सेट करनी होती है। हमें अपने माइंड सेट करना होता है, ब्रेन सेट करना होता है, बॉडी सेट करनी होती है, हमें अपना टाइम और प्लेस भी सेट करना होता है। और हम उसी में सेंसेज की बात करते हैं। ये छह चीज़ें अगर हमारी सेट हो जाती है तो यही छह चीज़ें पढ़ने के दौरान हमारी हेल्प करती हैं। और जब हम पढ़ने के बाद जब रिकलेक्शन की बारी आती है, क्योंकि ये छह चीज़ें आपकी सेट थी तो ये रिकलेक्शन में भी आपकी हेल्प करती हैं। जी हाँ, और इस पे ऑलरेडी 4 वीडियो मैं बना चुका हूँ। इस सिस्टम पे हम अपने माइंडसेट की बात कर चुके कि जो आपका मन है वो पढ़ाई में कैसे लगेगा। मन नहीं लगता ना, वो मन कैसे लगेगा इस पे पूरा वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी माइंड के बाद में कि जो आपका ब्रेन है वो कैसे सेट होता है, आपका ब्रेन कैसे हाई एनर्जी लेवल पे काम करता है। तो इस पे भी ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी जी बॉडी सेट के बारे में, बॉडी कैसे सेट होती है और बॉडी सेट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्टडी में। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक बॉडी में स्टेमिना नहीं होगा आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो बॉडी सेट पे भी वीडियो बन चुकी है। और उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था एक क्रांतिकारी फॉर्मूला, 20-20-20 का सिद्धांत जी, 20-20-20 प्रिंसिपल, जो आपके माइंड को सेट कर देता है, आपके ब्रेन को सेट कर देता है और आपकी बॉडी को सेट कर देता है। तो ऑलरेडी 4 वीडियो इस सिस्टम पे मैं आपको दे चुका हूँ। और ये सिस्टम पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं है। इस सिस्टम को अच्छे से सीख लीजिए, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी पढ़ाई के लिए ये सिस्टम वरदान है। आज हम बात करेंगे सेट की प्रोसेस में ही है, ठीक है। तो हम माइंड ब्रेन बॉडी हम सेट कर चुके, आज हम सेंसेज को सेट करेंगे, अपनी ज्ञानेंद्रियों को सेट करेंगे। तो भगवान ने हमें 5 सेंसेज दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। मेरा आपसे क्वेश्चन, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ने के दौरान आप अपनी कितनी सेंसेज को यूज करते हैं? अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट करके मुझे अभी के अभी बताइए आप अपनी कितनी सेंसेज यूज करते हैं पढ़ने के दौरान। जी वीडियो को पॉज कीजिए, पूरी ईमानदारी से आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने पूरी ईमानदारी से कमेंट किया होगा। अब इस पूरे वीडियो को देखिए। जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी एक सेंस का यूज करते हैं, अपनी आईज का यूज करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू उनको बताया जाता है कि मन मन में पढ़ाई करो, मन मन में। तो वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर देते हैं, जो भी उनका एक स्टडी एरिया होता है, तो वहाँ पे वो सामने बुक होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो उस क्वेश्चन को देख रहे होते हैं और कुछ नहीं, सिर्फ देख रहे हैं और आईज के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है। यही प्रोसेस होता है, बिल्कुल चुपचाप पढ़ते हैं, एकांत में पढ़ते हैं। ये अपने आप में गलत स्टडी हैबिट है। जब आपके पास में 5 सेंसेस है, 5 ज्ञानेंद्रियां जिनकी ताकत जो है वो अद्भुत है। क्योंकि होता क्या है, जब आप अपने एक सेंस का यूज करते हैं तो जो आपका इनपुट है ब्रेन के अंदर वो वीक जाता है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है कि जब टेस्ट हो या कोई एग्जाम हो वो रिकॉल नहीं कर पाते। रीजन यही होती है कि इनपुट वीक है तो आउटपुट भी क्या होता है, वीक आता है। रिकॉल नहीं हो पाता क्योंकि इनपुट वीक था, आउटपुट आ ही नहीं पाता। अब अगर वही स्टूडेंट वहां पे अपनी एक सेंस की जगह अपनी सारी सेंसेज यूज करें और कुछ मेमोरी की टेक्निक्स यूज करें तो इनपुट इतना स्ट्रोंग हो जाता है तो आउटपुट भी स्ट्रोंग आता है। यानी कि जो कुछ आप याद करना चाहते हैं उसको आप देख रहे हैं,
उसको आप बोल रहे हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप उसको सुनते भी हैं, आप उसे लिख रहे हैं, आप उसे फील कर रहे हैं, आप अपनी इमेजिनेशन उसको विजुलाइज कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि अपनी सारी सेंसेज को आपने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पर डाल दिया है। अब वो जो इनपुट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब इनपुट ब्रेन में स्ट्रोंग गया है तो आउटपुट भी ब्रेन से स्ट्रोंग आएगा, यानी कि वो चीज स्पीड से आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, काफी स्पीड से रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन काफी चैनल्स के थ्रू आपके ब्रेन में स्टोर हुई, उस इन्फॉर्मेशन को आप कभी नहीं भूलते। अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि हम अपनी मेमोरी को कैसे शार्प करें या हम बार बार भूलते क्यों हैं, तो अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं तो अपनी सारी सेंसेज को इन्वॉल्व कीजिए, और आसान है, बेहद आसान। आपको छोटा सा चेंज लाना है, आप जो पढ़ रहे हैं बस उसको बोलना है, जब आप बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आप उसे सुन भी रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आप उसे अंडरलाइन कर रहे हैं या आप नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। और अगर आपको ये चैनल आप देखते हैं तो मैंने आपको इमेजिनेशन की कैसे इमेजिन करना उस सिलेबस को या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर को, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस चैनल पर बताई हुई है, कुछ वीडियोज और आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे एसोसिएट करना है। अब होगा ये कि वो जो, जैसे कि मैंने बताया, वो जो इनपुट है वो काफ़ी स्ट्रोंग हो जाएगा तो आउटपुट भी स्ट्रोंग आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ने से पहले आपकी सेंसेज सेट होनी चाहिए, आपको अपनी सेंसेज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद, आपने नाम सुना है, स्वामी विवेकानंद जब भी पढ़ते थे तो बताया जाता है कि वो इतना एक्टिव हो जाता थे उसमें, वो अपने आप को इतना खो देते थे। आपने अक्सर सुना होगा ना कि काफ़ी सारे लोग पढ़ाई में इतना खो जाते हैं, वो अपने आप से अपने आप को क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने आप से आंसर कर रहे हैं, वो एक्टिवली इतने उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्टडी हमेशा एक्टिव होनी चाहिए, कभी भी पैसिव नहीं होनी चाहिए। चुपचाप स्टडी नहीं होती, एक्टिवली स्टडी होती है। तो अगर आप एक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहते हैं, अगर ब्रेन में आप इनपुट स्ट्रॉन्ग डालना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं स्पीड से कोई चीज़ आपको याद आए, तो आपको अपनी सेंसेज को यूज करना होगा। तो इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि मैं आपको आपकी सेंसेज की इंपॉर्टेंस समझा दूँ, और इस सिस्टम पर ये पाँचवा वीडियो है। माइंड सेट हो गया, ब्रेन सेट हो चुका है, बॉडी सेट की हम बात कर चुके हैं, 20-20 का सिद्धांत आपके सामने आ चुका है, और आज हमने सेंसेज की बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टाइम है वो हम कैसे सेट करें और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस हम कैसे सेट करें, वो प्लेस सेट करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो बने रहिएगा इस सीरीज में, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए। आपके जितने कमेंट्स होते हैं, आप जितना लाइक करते हैं, उतना ही मेरा हौसला बढ़ता है। ये पूरी की पूरी सीरीज मैं आपको देने वाला हूं, और ये सीरीज पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद ये अल्टीमेट सिस्टम है दोस्तों, अल्टीमेट सिस्टम है, आपकी स्टडीज से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये सिस्टम कर देगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।